पता नहीं मैं किस दुनिया में रहती हूँ, नहीं बताऊंगी। नहीं अभी तक नहीं सोचा। नहीं मैं डेट्स निकलवा लूंगी, मैं डेट्स निकलवा लूंगी। हमारा आपके साथ पहला इंटरव्यू है तो वेलकम टू इंडिपेंडेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा हेना, आपका एक काफी अच्छे से आप काम करती जा रही हैं, हमने आपको अदाकारी में भी देखा, हमने आपको मेजबानी करते हुए देखा। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पसंद क्या है। अच्छा मेरी पसंद दोनों है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप होस्टिंग ज्यादा कर लेते हो, आप कहते हो यार एक्टिंग, अब दिल कर रहा है कि एक्टिंग करें, जाके एक्टिंग करते हो आप होस्टिंग। होस्टिंग के अंदर ये है कि आवर्स आपके बहुत लिमिटेड होते हैं, आप 6 घंटे दे दें, 7 घंटे दे दें अगर आप 2 से 3 शोज रिकॉर्ड करें, देन उसके बाद यूर होम। एक्टिंग के अंदर इट्स अ 12-आवर शिफ्ट एवरी डे फॉर 60 डेज फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। सो ऑब्वियसली बैगेज दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो होस्टिंग में कम है, एक्टिंग के अंदर ज़्यादा है। लेकिन होस्टिंग के अंदर जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अपने अल्फाजों का बहुत ध्यान रखना है, आपको करंट इशूज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, उसकी सेंसिटिविटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग में आप कहीं ना कहीं कहते हो चलो नो, कुछ सीन अगर अच्छा नहीं हुआ या नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी और सीन्स हैं उसको कवर अप करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। अच्छा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिस ड्रामे हॉस्टल के हम सेट बने इसमें आपके क्या किरदार है, और आप ये आपका साल का शायद पहला ड्रामा है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साल का पहला ड्रामा है एंड आई एम वर्किंग विद एवरेडी आफ्टर इयर्स नाउ। एंड ये जो ड्रामा है इसका नाम है हॉस्टल लाइफ। तो हॉस्टल की जो ज़िंदगी होती है, कॉलेज की जो ज़िंदगी होती है, एक लड़की है जो हैदराबाद से पढ़ने के लिए आई है, जो कि शर्त पर आई है कि ठीक है मैं मंगनी कर लेती हूँ लेकिन पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ऐसी लड़की दिखाई जिसके गोल्स हैं, जिसके एम्बिशंस हैं और जेन्युइन एम्बिशंस हैं इस लड़की के। सो वो कैसे टैकल करती है अपनी एक घरेलू ज़िंदगी को जो कि हैदराबाद के अंदर है, जो कि कंजर्वेटिव फैमिली से, और फिर उसके बाद उसको अपने गोल्स को अचीव करना है। एंड बुलिंग दिखाई है हॉस्टल में जिस तरह से होती है, एक हॉस्टल लाइफ कैसे होती है, आपको अच्छे दोस्त कैसे मिल जाते हैं, उन दोस्तियों के बारे में, उन लड़ाइयों के बारे में, इट्स ऑल अबाउट दैट। अच्छा है ना, क्योंकि आपने अपने रोल का बताया, अक्सर ड्रामे पे एक इतराज़ होता है कि हम खवातीन को स्टीरियोटाइप करते हैं, थप्पड़ खा रही हैं, रो रही हैं, मज़लूम बहू वगैरह, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि एट टाइम्स, एक वक्त तक मैंने भी ये कहा था कि प्रोड्यूसर क्यों अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा हमारा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अब क्योंकि मुझे एटलीस्ट 10 से 11 साल हो गए इस इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देख के, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हमारी ऑडियंस उस चीज़ को देखना बंद कर देगी, उस दिन वो ड्रामे बनना भी बंद हो जाएंगे। जिस दिन उन ड्रामों की रेटिंग्स आना बंद हो जाएंगी, जिस दिन उसके ऊपर कमर्शियल्स लगना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस देखना बंद करेगी तो कमर्शियल लगना बंद होगा, उस दिन प्रोड्यूसर भी बनाना छोड़ देगा। तो हमारी ऑडियंस को इसका स्टैंड लेने के लिए बहुत ज़रूरत है। अच्छा एक इतराज़ अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा हुआ है कि हमारे यहाँ खवातीन अदाकाराएं जो हैं उनको मर्द अदाकारों से कम पैसे मिलते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी खबरें चली हैं, आपको लगता है कि ये एक मसला है? अच्छा अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बात करूँ, जितनी नॉलेज मेरे पास है और मैं ख़ास तौर पे अपने मुल्क की अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी ख़वातीन बहुत एम्पावर्ड हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ख़वातीन ने बड़े ही बेहतरीन और बड़े पेचेक सेखे हैं कंपेयरिंग टू अ लॉट ऑफ मेल एक्टर्स इन दी इंडस्ट्री। हमारी ख़वातीन बहुत अच्छा कमा रही है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, दिस इज़ ऑल दैट आई नो। अच्छा आपने ड्रामों में काफ़ी ड्रामे किए हैं, लेकिन कोई ऐसा किरदार जो आपको लगता है कि यार ये मुझे करना है और अभी तक मुझे कोई ऑफर ही नहीं कर रहा? मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा बड़ा दिल करेगा कि अगर मैं एक एथलीट का कैरेक्टर प्ले करूं, होपफुली। अच्छा तो कभी नहीं सोचा कि कोई पुलिस वाली बनूं, जरा को डंडे वंडे? नहीं अभी तक नहीं सोचा, नहीं अभी नहीं सोचा। अच्छा अच्छा ये बताएं कि आपने अभी तक फिल्म क्यों नहीं की, आपके जैसे चेहरे तो फिल्मों में मांग होती है। फिल्म इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा ना कभी दिमाग ही नहीं गया फिल्म की तरफ। अगर अभी आप मुझसे पूछें कि क्या आपको है दिल के आप मूवीज़ करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत कंफर्टेबल और बहुत खुश हूँ अपनी टीवी लाइफ में, ड्रामा इंडस्ट्री में, देन होस्टिंग में। ये मेरा आप कह सकते हैं कि ये मेरा कम्फर्ट जोन है। लेकिन अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है और अगर उसमें कोई अच्छा किरदार आता है तो फॉर श्योर, लेकिन ऐसे जी कोई मेरी बकेट लिस्ट पर नहीं है। अभी तक आपको फिल्में ऑफर तो हुई होंगी, कौन सी हुई थी जो आपने नहीं की? नहीं बताऊंगी।
मुझे ऐसा लगता है कि अब दूसरे एक्टर से साइन कर लिए तो वो उनका क्रेडिट है, उनका काम है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट अवे. तो आपको शौक नहीं है कि वो एक टिपिकल हीरोइन का हमारे तस्वीर है ना, साड़ी पहन के बर्फ पहाड़ों पे नाचना, आपका कभी दिल नहीं चाहता? पता नहीं क्यों, क्यों नहीं दिल चाहता? मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ ये सवाल मेरा अपने आप से कि मेरा दिल क्यों नहीं चाहता साड़ी पहन के बर्फों में जाके खड़े होने का. आई डोंट नो, मे बी शायद मुझे अपने घर की चाय और घर की कोजीनेस पसंद है. मेहनत तो आप करती है ना, काम तो करती है. आई डोंट नो, पता नहीं मेरे दिमाग में मेरा मुझे कभी दिल नहीं किया करने का, पता नहीं. अगर आप फिल्म करें फर्स्ट करें तो हीरो किसको लेने चाहेंगे अपने साथ? मैं अपने साथ आगा को हीरो लूंगी. यार देखो अगर आगा नहीं है तो फिर मूवी नहीं हो रही, अगर आगा है तो फिर हम देख लेंगे. अच्छा, यानी आप सिर्फ उनके साथ फिल्म करेंगी और नहीं करेंगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, अव्वल तो ये कि फिल्म अगर अच्छी आ जाए और अगर आगा हो तो फिर इट्स चेरी ऑन टॉप. एक छोटा सा सवाल, आप लोग रुके, आपने खुद आगा का जिक्र किया, आप लोगों की शादी कोविड में हुई थी जब कोविड की वजह से लॉकडाउन था. कैसे एक्सपीरियंस था वो आपका एक लॉकडाउन में, मेहमान भी धरे ना होने के बराबर, हर चीज, तो रिग्रेट होता है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होता. सेरेमनी ना होने का नहीं. हाँ हाँ, बस ये है कि आगा की वाल्द और आगा के बड़े भाई, क्योंकि यू नो फ्लाइट्स का उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, फिर कोविड वाज ऑन पीक एट दैट टाइम, तो हमारी साइड से उतने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स नहीं आ सके, लेकिन जितनी मोहब्बत हमें हमारे रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली और फैंस और ऑडियंस से मिली है और यू नो हमारी ड्रामा फ्रेटर्निटी से मिली है, मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है. आपकी इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह बहुत बड़ी फॉलोइंग है, मिलियंस में है, और जब बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो हमारे यहाँ ट्रोलिंग भी साथ साथ हो जाती है, ज्यादा सही है. तो जब ज्यादा ट्रोलिंग हो जाती है तो आप कैसे निकलती हैं? अच्छा ऑनेस्टली, ये कहना कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मुझे लगता है कि फ़र्क सबको पड़ता है और इसको डील करना ना आपको वक्त के साथ आता है. ये बात मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी कही थी कि एकदम से 10 20 30 40 लोग आप पे यू नो क्रिटिसिज्म लेके आ जाएं कि तुमने ये भी गलत किया और ये भी गलत और ये भी गलत है, तो जाहिर सी बात है आप मेंटली थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं. बट एज लॉन्ग एज इट्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो उसको आपने मुझे लगता है पूरी पॉजिटिविटी के साथ लेना चाहिए, अपनी चीज़ों की इसलाह करनी चाहिए. और अगर ये एवी की ट्रोलिंग है तो मुझे लगता है वक्त के साथ इंसान खुद डील करना शुरू कर देता है एंड जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर. अच्छा, अगर हम इसको देखें, जैसे उष्णा शाह की वेडिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा पताक खड़ा हो गया जिसकी कोई दुख नहीं थी, इस तरह के मामला जब तक, अब तो ये बात बल्कि उससे भी अगर मैं आगे जाऊँ तो किरदार किसी पर आ गई है, आपको नहीं लगता इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ होना चाहिए, इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ साइबर क्राइम है. और मैं चाहूंगी कि जो जो लोग इस ट्रोलिंग से गुजरते हैं, इनफैक्ट इतनी सारी लड़कियां, इतने सारे लड़के हैं जो कि साइबर क्राइम की जिस तरह के इंसिडेंट्स हमारे सामने आए हैं, मुझे ऐसा लगता है प्लीज 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 डू नॉट स्टे क्वाइट, साइबर क्राइम की तरफ आप लोग जाओ, उनको रुजू करो और अपने मसाइल बताओ. साइबर क्राइम हमारे यहाँ एक ऐसा इदारा है जो कि अभी भी लोगों को उसका बहुत ज़्यादा नहीं पता, सो प्लीज़ वो स्टडी, उनके ऑफिस में जाएं, मुलाकात करो और अपने कंसर्न्स बताएं, क्योंकि साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, ये सब नो, ये सब नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में एक मेंटल बंदे की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. कुछ आप कहना चाहेंगे? थैंक यू.